जिला में पर्यटन निखार के मकसद से अलीखट पर प्रस्तावित आर्टिफिशियल लेक यानी कृत्रिम झील अब केंद्रीय प्रायोजित होगी। झील का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत करवाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस झील के बन जाने से वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज साल भर आयोजित की जा सकेंगी और क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायतों की हजारों की आबादी को सिंचाई सुविधा का भी लाभ मिल सकेगा। जानकारी के अनुसार कंसल्टेंट द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार बांध की लंबाई लगभग 200 मीटर जबकि ऊंचाई 20 मीटर होगी। बांध के निर्माण से कृत्रिम झील के अस्तित्व में आने पर जहां क्षेत्र की 8 पंचायतों को सिंचाई व पेयजल की सुविधा मिलेगी, वहीं बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का आयोजन भी पूरा साल हो सकेगा। कृत्रिम झील की डीपीआर बनाने वाले कंसल्टेंट जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी के एक्सियन तथा पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बांध के निर्माण स्थल का जायजा भी लिया है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के आयोजन के लिए ये पूरी तरह से अनुकूल है, लेकिन इसका जल स्तर पूरा साल एक जैसा नहीं रहता। गर्मियों में टूरिस्ट सीजन के दौरान गोविंद सागर का जल स्तर नीचे चला जाता है। जल स्तर कम होने के कारण ये जलाशय उन्हें आकर्षित नहीं कर पाता। बांध बनने से अस्तित्व में आने वाली झील पूरा साल पानी से लबालब भरी होगी। इससे क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं झील बनने से क्षेत्र की 8 पंचायतों को पेयजल व सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मत्स्य पालन के लिए भी ये झील मददगार साबित होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को विधायक प्राथमिकता में डाला है। इसे जल्द से जल्द आमली जामा पहनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये कृत्रिम झील 450 करोड़ के अलीखट के ऊपर, वह भी उसका भी डीपीआर और उसकी कंसल्टेंट हमने किए हैं और उसका भी हमने सारा प्रारूप तैयार कर दिया है और गवर्नमेंट की तरफ से उसको ओके करके सेंटर गवर्नमेंट से हम उसको भी यहाँ पर लाएंगे, ताकि 12 महीने यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स और लोगों को सिंचाई की सुविधा, किसानों को कि सिंचाई की सुविधा हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो। इस दृष्टि से कृत्रिम झील बिलासपुर की जीवन रेखा होगी या बिलासपुर की तस्वीर और तकदीर बदलेगी।